अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सर सज्जाद बाजवा, एमबीए जूलॉजी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कैरियर इन बायोलॉजी, तो उसमें से कुछ रह गए थे। तो नेक्स्ट जो कैरियर है हमारे पास वो है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है बेटे डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग। गार्डनिंग के अंदर हम बेटे क्या करते हैं, गार्डनिंग के अंदर जो एग्जिस्टिंग वराइटीज ऑफ प्लांट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है और नई वराइटीज जो है प्लांट्स की वो प्रोड्यूस की जाती है। दो तरह के प्लांट्स इसमें आते हैं हमारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स आते हैं और फ्रूट प्लांट्स आते हैं। फ्रूट प्लांट्स वो वाले होते हैं जिनसे हम फ्रूट्स हासिल करते हैं, ठीक है, और ऑर्नामेंटल प्लांट्स से खूबसूरती के लिए फूल हासिल करते हैं। तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फ्रूट प्लांट्स इनकी न्यू वराइटीज को प्रोड्यूस करने के लिए और इनकी एग्जिस्टिंग वराइटीज को बेटर करने के लिए जो है ये हॉर्टिकल्चर जो है वो वर्क करता है। तो बायोलॉजी का स्टूडेंट अपनी मास्टर डिग्री इन बॉटनी या जिसने इंटरमीडिएट में बायोलॉजी को पढ़ा है, बैचलर में बायोलॉजी को पढ़ा है, तो वो इस फील्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मिंग। फार्मिंग के अंदर बेटे डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म्स हैं, लाइक दैट हमारे पास एग्रीकल्चर फार्म्स हैं, हमारे पास पोल्ट्री फार्म्स हैं, हमारे पास डेयरी फार्म्स हैं, हमारे पास फ्रूट फार्म्स हैं। तो इन डिफरेंट काइंड्स के जो हमारे पास फार्म्स हैं इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और इनके अंदर नई टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इस फील्ड में जाते हैं। तो फार्मिंग के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो मैट्रिक और इंटर में बायोलॉजी के बाद मास्टर डिग्री जो है वो जूलॉजी बॉटनी के साथ जो है वो इस फील्ड में जा सकते हैं। फॉरेस्ट्री जो है, फॉरेस्ट्री नेक्स्ट कैरियर है जिसके अंदर फॉरेस्ट की लुक आफ्टर के लिए और गवर्नमेंट को नए फॉरेस्ट जो हैं उनको लगाने के लिए, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाने के लिए सजेशंस दी जाती हैं। तो फॉरेस्ट्री के अंदर जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो फॉरेस्ट्रीज के कोर्स करवाती हैं, प्लांट्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, प्लांट्स की प्रोटेक्शन कैसे करनी है, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट को हमें कैसे बचाना है और न्यू फॉरेस्ट हमें कैसे लगाना है, उसकी ग्रोथ कैसे करवानी है, तो ये तमाम चीज़ें जो है फॉरेस्ट्री में स्टडी की जाती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्शन और फॉरेस्ट को बचाने से, ठीक है, बचाने के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है कैरियर बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डियर स्टूडेंट्स ये लेटेस्ट हमारे पास बायोलॉजी की टेक्निक है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूटिलाइज करके उनसे यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ मेनकाइंड के इस्तेमाल के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लाइक दैट हमारे पास फेमस एग्जाम्पल है इंसुलिन की। तो इंसुलिन जो है ये हमारे पास एक जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए एज ए मेडिसिन यूज होती है टू लोअर द ब्लड शुगर लेवल। तो जब हमारी बॉडी के अंदर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में इंसुलिन जब नहीं बनती तो उन लोगों को आर्टिफिशियल इंसुलिन लगाते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में। तो वो इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी के जरिए हमने बनाई है बैक्टीरिया से। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर भी बायोलॉजी का स्टूडेंट जो है जिसने मैट्रिक और इंटरमीडिएट बायोलॉजी पढ़ी है तो वो जा सकता है। तो ये तो थे कैरियर्स इन बायोलॉजी। नेक्स्ट हम जो है वो मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तो तब तक अल्लाह हाफिज़।